हेलो एवरीवन, आज डेट है 13th of September 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में, और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कुशियारा रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लुजोन स्ट्रेट को लेकर के, तो लुजोन स्ट्रेट को अगर हम मैप में व्यू करें, लुजोन स्ट्रेट ताइवान और फिलीपींस कंट्री के इम्पोर्टेंट आइलैंड लुजोन के बीच में लोकेटेड है। लुजोन स्टेट कनेक्ट करता है फिलीपींस सी को साउथ चाइना सी के साथ में, और अगर हम बात करें तो ट्रेड और कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लुजोन स्टेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूएस से बहुत सारी शिप जो हैं वो इस स्ट्रेट का यूज़ करते हुए ईस्टर्न एशिया के जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वहाँ तक अपनी रीच बनाते हैं। और कम्युनिकेशन की बात अगर हम करें तो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इम्पोर्टेंट केबल जो हैं वो इस एरिया से पास होकर के अदर कंट्रीज तक जो डाटा प्रोटेक्शन है या डाटा एक तरीके से प्रोवाइड करने का जो काम करती है ये इम्पोर्टेंट केबल्स, तो ट्रेड एंड कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लुजोन स्ट्रेट। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपको लगता है कि रेगुलेटरी आपके लिए एक मेजर इशू है जिसके बेसिस पर डेली बेसिस पर आप जो भी टारगेट लेते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो मेंटोर हैं वो इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड करते हैं ताकि आपका जो सिलेबस है ना सिर्फ स्टैटिक पार्ट बल्कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर हो सके, और प्रीलिम्स से पहले 2023 प्रीलिम्स से पहले आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर होने के साथ साथ रिवीजन भी उसका हो सके, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। यहाँ पर कुछ पिटीशन डाली गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि 3-judge bench जो है वो उसको 31 अक्टूबर को इसके ऊपर डिस्कशन करेगी और इस पिटीशन को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 220 पिटीशन डाली गई हैं इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर के, 19 में जो ये एक्ट आया था उसको लेकर के पिटीशन डाली गई। अब इस केस को लेकर के सुनवाई होगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनसे भी अपना स्टैंड रखने के लिए अपनी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि किसके बेसिस पर ये सीए एक्ट लाया गया था, इसको लेकर के अपना स्टैंड रखने, अपने पॉइंट्स देने के लिए, उनको भी तैयार रहने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए उनको भी टाइम दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के कि क्या बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीएए जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो प्रोवाइड करता है रिलीजन के बेसिस पर सिटीजनशिप, और 6 कम्युनिटीज इसमें आएंगी जिसमें एक तरीके से नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज भी आप इनको बोल सकते हैं। इसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटी के लोग अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले या फिर इस तारीख तक जो हैं अगर हमारे इंडिया में आए हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं बोला जाएगा। और इन लोगों को 2 एक्ट ऐसे हैं, एक तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है और एक है पासपोर्ट एक्ट। इन पासपोर्ट एक्ट के अंडर जो पनिशमेंट दिया जाता है अगर कोई इल्लीगल तरीके से इंडिया में एंटर करता है तो इन एक्ट के बेसिस पर उनको पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन ये जो 6 कम्युनिटी है इनको इन 2 एक्ट के थ्रू भी एग्जेम्पशन दी जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सीए को लेकर के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने इस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि आप जो है वो रिलीजन के बेसिस पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, हम तो सभी कम्युनिटी को जो है इक्वलिटी का यहां पर जो दर्जा है वो दिया जाता है इंडिया में, फिर आप जो है वो रिलीजन के बेसिस पर किस तरीके से इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन को रेगुलेट कर सकते हो। एक तो बात हो गई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रोविजन है उनको वायलेट कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था
आसाम वाले रीजन में, वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट किया गया था। और उसमें इस आसाम अकॉर्ड में ये बोला गया था कि 25 मार्च 1971 तक, इससे पहले हमारे इंडिया में अगर कुछ लोग, क्योंकि हमने ये देखा ना कि 1971 में जब बांग्लादेश नया कंट्री बना तो वहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया में निकल करके उससे पहले इंडिया में एंटर कर चुके थे, तो इसी को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो 25 मार्च 1971 एक डेट डिसाइड की गई थी आसाम अकॉर्ड में कि इसके बाद में अगर जो लोग हैं अगर इंडिया में एंटर किए हैं तो इनको इलीगल माइग्रेंट्स माना जाएगा। तो यहाँ पर यह बोला गया कि CAA जो है वो एक तरीके से ये जो आसाम अकॉर्ड जो साइन किया गया इसको क्या करता है, वायलेट करता है इसके प्रोविज़न को, क्योंकि CAA में तो आपने स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ का नाम लिखा है कि हाँ इन इन को अलाउ किया जाएगा, लेकिन आसाम अकॉर्ड में तो सभी के लिए बोला गया था विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी को इक्वल जो है ट्रीट करने की कोशिश की गई थी कि 25 मार्च 1971 डेट है, इसके बाद में अगर कोई लोग इंडिया में एंट्री किए हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट्स माना जाएगा, उनको वापस डिपोर्ट उस कंट्री में किया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहां पर यह है कि आपने इन 6 कम्युनिटीज को तो यहां पर टैकल करने की बात की, लेकिन हमारे इंडिया में और भी बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो श्रीलंका से बहुत सारे तमिल इंडिया में आए हुए हैं और म्यांमार से बहुत सारे रोहिंग्याज इंडिया में हैं, तो आपने इनके ऊपर तो कुछ भी फोकस नहीं किया। तो एक तरीके से जो अगर आप माइग्रेंट्स को ही यहाँ पर टारगेट कर रहे हो तो फिर इनको भी आपको टारगेट करना चाहिए था, मतलब आपने डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजन के ऊपर फॉलो किया है, अदर कंट्रीज़ के जो भी लीगल माइग्रेंट्स हैं उनमें भी आपने डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पर रेगुलर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो देखो अगर ये एप्लीकेबल होता है तो इसकी वजह से जो हमारे बायलेटरल रिलेशन है इन कंट्रीज़ के साथ में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, वैसे पाकिस्तान के साथ में अगर हम देखें तो 2019 के बाद में जो अटैक हुए थे उसके बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक जो इश्यूज हैं वो बने हुए हैं और कोई जो भी बायलेटरल डिस्कशन है वो नहीं हो पा रहा है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो तालिबान ने दोबारा से रूल अपना एस्टेब्लिश कर लिया है और इसी की वजह से वहाँ पर भी हमारे जो बायलेटरल रिलेशन है उसमें प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक तरीके से ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो अभी इंडिया की विजिट पर रही, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे बायलेटरल रिलेशन जो हैं वो अदर कंट्रीज़ के साथ में क्या करेंगे, उनको वायलेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 जो है उसको भी वायलेट करता है ये CAA जो है। ओके, तो आर्टिकल 14, तो इसके बेसिस पर CAA को लेकर के बहुत सारी पिटीशन डाली गई कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करने का काम कर रहा है, तो क्यों ना जुडिशरी इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की है तो वहाँ पर जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर उसको, उस एक्ट को, उस लॉ को रब करने की कोशिश करती है और कोशिश करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उनके खिलाफ तो नहीं है कई जो एक्ट बनाया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें एनजेएसी जो था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके थ्रू जो है ये एनजेएसी रूल लाया गया जिसमें जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनमें चेंज करने की कोशिश की जा रही थी और गवर्नमेंट जो है वो अपना इंटरवीन करने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पर जुडिशरी ने इस एक्ट को व्यू किया और उनको लगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजन के खिलाफ है, तो उन्होंने इसको नलीफाई डिक्लेयर कर दिया। तो अब CAA को लेकर के पिटीशन डाली गई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब इसके ऊपर डिस्कशन करेगा और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा, तब ये हमारे लेकर के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रोविज़न इसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रखता है, क्या क्या जजमेंट्स देता है, क्या क्या ऑर्डर पास करता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है हमने CAA एक्ट को लेकर के, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फ्रंट पेज पर ही, और यहाँ पर ज्ञानव्यापी जो केस है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है, सॉरी वाराणसी जो कोर्ट है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन्होंने उनमें एक एप्लीकेशन फाइल की गई और एप्लीकेशन जो है वो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने फाइल की थी। उन्होंने बोला था कि ये जो वाराणसी में जो ज्ञानव्यापी जो मॉस्क्यू है वहाँ पर एक तरीके से हिंदू कम्युनिटी जो है वो चैलेंज कर रही है कि यहाँ पर पहले क्या था, टेम्पल था, तो उस एरिया में उनको वर्शिप करने की जो है वो छूट दी जाए। तो यहाँ पर ये जो मॉस्क्यू कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, उन्होंने पिटीशन डाली कि इस तरीके के जो भी रेगुलेशन है वो हमारे बहुत सारे एक्ट के खिलाफ हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट,
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में ये बात बोली गई थी कि 15 अगस्त 1947 के टाइम में जो वर्शिप एरिया जिस कंडीशन में है उसको उसी तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन जो केसेस प्रेजेंट टाइम में जुडिशरी में 1991 के टाइम जो जुडिशरी में जो केस चल रहे थे उनको इसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनको अलग से टैकल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया था कि 15 अगस्त 1947, लेकिन टाइम के साथ में ये इशू देखने को मिला कि जब हमारे यहाँ पर एक तरीके से मुगल एम्पायर था तो मुगल एम्पायर ने बहुत सारे हमारे वर्शिप प्लेसेस को चेंज किया था, तभी जाकर के अलग अलग एरिया में इस तरीके के इशू जो है देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ज्ञानव्यापी इशू जब सामने आया उसी टाइम में मथुरा में भी पिटीशन डाली गई थी कि यहाँ पर भी बहुत सारे जो टेम्पल हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, दूसरा एक है वक्फ एक्ट 1995 और नेक्स्ट है यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने बोला है कि ये तीनों जो एक्ट हैं वो इस तरीके की बात नहीं रखते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर के जो है चल रहा है उसके ऊपर व्यू ही ना किया जा सके और उसको एक तरीके से बैन कर दिया जाए कि किसी भी तरीके का इंटरवेंशन देखने को ना मिले। तो यहाँ पर जो कमेटी है मस्जिद कमेटी उन्होंने बोला कि जो बाबरी मस्जिद जो इशू था उसमें तो आपने ये सारे जो प्रोविजंस हैं इनके ऊपर काम नहीं किया, वहाँ पर तो आपने जो श्रीराम जन्मभूमि जो है उसके लिए अलाउ कर दिया और जो भी इशू था उसको रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की 15 अगस्त 1947 के बेसिस पर, लेकिन इसमें ये बोला गया था ना कि जो इशू कोर्ट में चल रहे हैं उनको लेकर के यहाँ पर रेगुलेट नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब जो ज्ञानव्यापी मस्क्यू है उसको लेकर के जो हिंदू कम्युनिटी ने जो अपने एलिगेशन लगाए हैं, जो अपनी बात रखी है कि यहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी का टेम्पल था और उसको लेकर के ये जो इशू है वो सोल्व होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कोर्ट ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट किन पॉइंट्स के ऊपर इसमें क्या रिजल्ट देगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है जुडिशरी किस पॉइंट को लेकर के क्या अपने स्टेटमेंट देने की कोशिश करती है। नेक्स्ट यहाँ पर है इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है कि फूड प्राइजेस की वजह से दोबारा से इन्फ्लेशन जो है वो हाई लेवल पर देखने को मिला है। यहाँ देखिए सिकंदराबाद में एक इलेक्ट्रिक बाइक शॉप में एक तरीके से आग लग जाती है जिसकी वजह से आसपास के जो होटल हैं वहां पर भी उसका स्प्रेड देखने को मिलता है और 6 लोगों की इसमें डेथ हो गई। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट होता है और इस पेरिस एग्रीमेंट में इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर काम किया जाता है कि कार्बन एमिशन हमें रिड्यूस करना है और उसके बाद में ही इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने लग गया। वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो उन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया कि किस तरीके से हम एमिशन को रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें क्या है कि उसको प्रेजेंट टाइम में जो भी व्हीकल सिस्टम है उसको चेंज करने का, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम जो व्हीकल है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर रेगुलेट होते हैं और फॉसिल फ्यूल जो है उसमें अगर हम बात करें तो एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अगर हम कंपेरिजन करें तो एमिशन कम होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी। तो इसमें इंडिया ने टारगेट भी लिया है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 2030 तक जितने भी व्हीकल्स इंडिया में बेचे जाएं उसमें से 30% जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे जाएं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चलन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन एक मेजर इशू है इस तरीके के जो ब्लास्ट होने वाले जो इशू हैं ओवर चार्जिंग या अदर इशूज की वजह से उनकी बैटरीज में कुछ प्रॉब्लम है, इन सभी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर इस तरीके के इंसिडेंट रेगुलर होते रहे तो एक जो ट्रांसफॉर्म सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि वो फॉसिल फ्यूल्स व्हीकल्स से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा अगर ये जो इशू है इनको हमने सॉल्व नहीं किया। तो अभी भी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारे इंडिया में जो बैटरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उसके लिए इंडिया में मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज के ऊपर अभी भी हम डिपेंड करते हैं।
दूसरा अगर हम बात करें तो इंडिया में प्रॉब्लम है अभी चार्जिंग स्टेशंस को लेकर के, जहां पर जो है इजीली इनको चार्जिंग किया जा सके। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम अच्छे से अवेलेबल करवा पाएंगे तभी जाकर के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान इस तरफ बढ़ेगा। दूसरा ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ब्लास्ट जैसे सिचुएशन, इनका भी रिजल्ट जो है वो हमें निकाल करके आना होगा। सीधी और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए ये जो आर्टिकल है मैक्सिमम वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एडिटोरियल पेज पर पेज नंबर 8 पर। और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो अभी यूएस ने कुछ हेलीकॉप्टर जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है पाकिस्तान को। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि इंडिया ने इसको लेकर के अपने कंसर्न जो है वो क्लियर किए हों, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि 2019 के टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें हमारे बॉर्डर एरियाज में जो भी हमारे आर्मी कैंप थे उन सभी के ऊपर अटैक करने में जो कोशिश की गई थी वो यूएस के द्वारा ही जो F-16 फाइटर्स पाकिस्तान को दिए गए थे उन्हीं का यूज़ किया गया था। ओके, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फरवरी 2019 में, उससे पहले जो इशू देखने को मिले थे उन सब में इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इंडिया ने अभी भी अपने कंसर्न रखे हैं कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसकी वजह से जो रीजनल एरियाज जो हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं वो इंक्रीज होती हैं। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने देखा कि यूक्रेन को सपोर्ट करने की कोशिश की यूएस ने, जिसकी वजह से रशिया ने उसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो चाहते थे कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड ना हो और उनके रीजनल एरिया तक ना देखने को मिले। तो यहाँ पर यूएस को किसी भी कंट्री को सपोर्ट करने से पहले उसके रीजनल एरिया में क्या क्या इश्यूज हैं उन सभी को रेगुलेट करने की जरूरत होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो ना देखने को मिले। फिर यहाँ पर उन जैसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जो यूएस कंट्री या फिर अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई पॉइंट स्टार्ट होता है उसके बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए कि किस तरीके से जो रिलेशंस हैं वो मेंटेन किए जाएं ताकि अदर कंट्रीज को भी उसका इफेक्ट देखने को ना मिले। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है G20 कंट्रीज की जो मीटिंग होगी उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो देखो इंडिया जो है उसके लिए नेक्स्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी अगर हम बात करें तो HCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है समरकंद में, और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर को एक वन ईयर के लिए इंडिया जो है होस्ट करेगा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। UN की भी 2023 तक जो हेडशिप है वो इंडिया को दी जाएगी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर दिसंबर 2022 एक महीने के लिए जो भी ये चेयरमैनशिप दी जाती है वो इंडिया के पास में रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो G20 की मीटिंग जो है वो इंडोनेशिया में होने वाली है और नेक्स्ट वन ईयर के लिए इंडिया को ये लीडरशिप G20 की जो मीटिंग है वो भी उसमें भी डिसीजन लिया गया है या फिर G20 की जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया को दी जाएगी। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया के पास में बहुत सा आने वाले टाइम में वन ईयर के लिए बहुत सारे ग्रुप्स की जो चेयरमैनशिप है या लीडरशिप है वो इंडिया के पास रहेगी। तो यहाँ पर G20 को लेकर के कुछ डाटा दे रखे हैं कि G20 जो है इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो जितनी भी GDP है उसका 80% से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं। 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इन्हीं कंट्रीज के द्वारा होता है और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% एरिया जो है 60% पॉपुलेशन को ये कंट्रीज ही G20 के कंट्रीज ही कवर करते हैं। आप सभी को पता है कि G20 ग्रुप में 19 कंट्रीज हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। ओके, तो यहाँ पर अभी बात रखी गई है कि इंडिया जो है वो इन तीन स्पेसिफिक का क्या रहेगा लीडरशिप रहेगा नेक्स्ट ईयर में अगर हम देखें। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया जो G20 का हेड करने वाला है तो उन्होंने तीन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अब इंडिया के लिए भी अपने नए इनिशिएटिव, तो इंडिया जो है वो फोकस कर सकता है क्लीन एनर्जी के ऊपर, इंडिया फोकस कर सकता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इंडिया फोकस कर सकता है कोविड जैसी पेंडेमिक जो डिजीज़ है उसको कवर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर किया जाए। इंडिया कोशिश कर सकता है
अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा इशू है, इंडिया जो है दोनों ही ग्रुप्स की तरफ अपना बैलेंस बना रहा है, जिसमें एक तरफ है रशिया और चाइना, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके साथ में। तो यहाँ पर G20 में वेस्टर्न कंट्रीज भी, रशिया चाइना जो है ये भी जो है इसके मेंबर रहेंगे। तो इंडिया क्या है यहाँ पर बैलेंस बना करके चल सकता है, जो भी इशू है रशिया यूक्रेन उनके सॉल्यूशन की भी बात कर सकता है। बात अगर करें तो COVID-19 पेंडेमिक जैसी डिजीज जो है उनके वैक्सीनेशन जो इशू है उसको भी रेगुलेट करने की इंडिया उसको लेकर के कोशिश कर सकता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन की बात की जाए। तो यह भी यहाँ पर ये बताया गया है कि G20 ग्रुप के जो लीडरशिप इंडिया को दी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेट पावर इंडिया को एग्जिस्टेंस में लेकर के आएगी, लेकिन इसके साथ में इंडिया की एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि किस तरीके से हम उन सारे टारगेट्स को अचीव करते हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स जो है वो हमारे इंडिया के लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं, ताकि 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट करें तो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर इंडिया जो है वो अपने आप को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, तो उन सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये जो 1 ईयर के लिए जो हमारी मेंबरशिप रहेगी, हमारे जो पास में जो चेयरमैनशिप रहेगी, इनको अगर हम अच्छे से रेगुलेट करें तो हमारे जो नेक्स्ट 25 ईयर्स के जो टारगेट्स हैं वो भी ईजिली हम अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही किया गया है कि अब इंडिया किस तरीके से G20 की जो लीडरशिप है उसको अपने अकॉर्डिंग और पूरे वर्ल्ड में जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के अकॉर्डिंग जो है इनको रेगुलेट कर पाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर देखो जो 91वीं को लेकर के जो ऑर्डर पास किए हैं, इसके बाद में यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने अपने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिए कि इस तरीके से किसी भी जो भी हमारे वर्शिप प्लेसेस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो हमारे एक्ट हैं वो इक्वल होने चाहिए, और हमारे अदर इशू जो हैं जिस तरीके से बाबरी मस्जिद जो इशू है उसमें भी आपको वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसको एग्जिस्टेंस में लाना चाहिए था, लेकिन उसके बेसिस पर आपके रिजल्ट होने चाहिए थे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो किसको लेकर के है, हिजाब को लेकर के है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये बोली गई है कि बर्डन ऑन जस्टिफाइंग हिजाब बैन रेस्ट ऑन स्टेट। ओके, तो अभी हम देखें तो कुछ टाइम पहले हिजाब को बैन कर दिया गया था कर्नाटका स्टेट में कि हिजाब जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी का। टाइम के साथ में इवोल्व हुई है ये ट्रेडिशन, इसके बारे में कहीं भी ऑथेंटिक जो प्रूफ है वो नहीं है कि हिजाब जो है वो इंटीग्रल पार्ट है मुस्लिम सोसाइटी का। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार हिजाब कोई इस तरीके की ट्रेडिशन जो है उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, इससे पहले भी अगर हम देखें तो अदर कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा था जिनको लेकर के जुडिशरी ने नलीफाई किया है। जैसे कि अगर हम बात करें जैन कम्युनिटी में संतारा कम्युनिटी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी एज जैसे जैसे उनकी बढ़ती जाती है तो वो अपना खाना पीना छोड़ करके एक तरीके से मौत का इंतजार करने लग जाते हैं, लेकिन टाइम के साथ में ये देखा गया कि बहुत सारे यूथ जो हैं वो भी संतारा जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पर जुडिशरी ने इसको लेकर के इंटरवीन किया कि संथारा जो है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, और ये एक तरीके से सोसाइटी को हार्मफुल है सोसाइटी के लिए ट्रेडिशन। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो एक तरीके से चोरी छुपे जो है वो संथारा जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो किया जाता है। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी की ट्रेडिशन को लेकर के ही यहाँ पर जुडिशरी ने कुछ बैन किया है। हिंदू कम्युनिटी की भी बहुत सारी ऐसी यात्राएं हैं जिसको लेकर के बहुत सारी ऐसी पदयात्रा उनकी होती है जिसको लेकर के रेगुलेट करने की जुडिशरी ने टाइम टू टाइम कोशिश की है। तो यहाँ पर हिजाब को लेकर के बोला है कि स्टेट इसको लेकर के अपना रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करे। दूसरा बात अगर हम करें तो हिजाब को लेकर के ये बोला गया कि देखो यूनिफॉर्म जो है उसको डिसीजन लेने की जो पावर है वो स्कूल अथॉरिटीज और स्टेट के पास में है, और यहाँ पर जो यूनिफॉर्म है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है इसी को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी ताकि हिजाब को रिमूव करवाया जा सके। ओके, तो यहाँ पर हिजाब जो है उसको रेगुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पिटीशन जो है वो डाली गई, और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टैकल करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 13 पर। ओके,
तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो मीटिंग चल रही थी उसमें इंडिया ने तमिल को लेकर के, श्रीलंका के जो तमिल हैं उनके इशू को यूनाइटेड नेशन में रखा है कि उसकी वजह से, आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। अब वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है तो वहाँ पर जो लोग हैं वो निकल करके अदर कंट्रीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इस इशू को सॉल्व करने की ज़रूरत है और इसको लेकर के यूएन में बात रखी गई है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग चल रही थी जेनेवा में और इसका 51st सेशन जो है उसी का ऊपर ये जो रिजल्ट है, या फिर अगर हम बात करें ये जो डिस्कशन है ह्यूमन राइट्स को लेकर के, इसमें किया जा रहा था और इसमें इंडिया ने अपनी बात रखी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक, अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए। यूएन चार्टर जो है वो तो इसको लेकर के गाइड ही करता है कि जब भी ह्यूमन राइट्स को लेकर के कोई इशू है तो उसको लेकर के इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट्स की इसको लेकर के डिक्लेयर की जानी चाहिए कि इन इशूज को किस तरीके से कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए तो 8 अफ्रीकन चीता जो है वो इंडिया में आ गए हैं और जयपुर में इनको लैंड करवाया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे वाले दिन मीन्स 17 सितंबर को इनको पूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनको रीएस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीता जो कम्युनिटी है वो हमारे इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दी गई थी। इसका बेसिक रीजन ये था कि कुछ जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गई थी इंडिया में, तो इंडिया ने अपनी तरफ से कोशिश की कि इसको पहले अगर हम एशियन जो चीता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में, और प्रेजेंट टाइम में एशियन चीता जो है वो ईरान कंट्री में है लेकिन वहाँ पर भी उसकी जो संख्या है, नंबर जो है काफ़ी कम है, इसलिए वहाँ से मना किया गया और इसी के बेसिस पर जो अफ्रीकन चीता है उनको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की बात जो है, प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हुआ और इंडिया में अब इसको इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि अफ्रीकन चीता और जो एशियन चीता है उनमें क्या डिफरेंस होता है, उन डिफरेंस को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, और लंपी स्किन डिजीज जो है उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि जो सेंटर है वो कोशिश कर रहा है कि इस डिजीज़ को क्या है ख़त्म किया जा सके। तो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट के बेसिस पर मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का, और इसी के बेसिस पर उन्होंने लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में भी बात की। लंपी स्किन डिजीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1929 के टाइम में जाम्बिया जो कंट्री है वहाँ पर सबसे पहले इसका जो भी ट्रेसेस है वो देखने को मिले थे। लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि एक जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, मतलब एनिमल्स के थ्रू जो है वो ह्यूमंस में स्प्रेड नहीं होता है, ह्यूमंस इससे इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ओके, और जो भी मिल्क प्रोडक्शन होता है इस तरीके के जो भी एनिमल्स है जो लंपी स्किन डिजीज़ से इफेक्टेड है, तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज तो होता है लेकिन उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम जो है अच्छे से उसको बॉईल करें और पाश्चराइजेशन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। तो पाश्चराइजेशन में क्या होता है कि हाई हीट पे गर्म किया जाता है और फिर उसको तेज़ी से ठंडा किया जाता है ताकि जो भी उसके अंदर जर्म्स हैं वो सब क्या है एक डोरमेंट स्टेज में एग्जिस्ट हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो कंडीशन है अफगानिस्तान की उसको लेकर के बात रखी गई है। एक तो कि अफगानिस्तान में जो है वो वीमेन स्टाफ, मतलब जो के एरिया पर जो पार्टिसिपेशन है वीमेन का, उन सभी को लेकर के इशू जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बताया गया है कि तालिबान जिन पॉइंट्स के बेसिस पर उन्होंने कैप्चर किया और जिन चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश की उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर थ्रेटनिंग जो है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि रोहिंग्यास की वजह से बांग्लादेश की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। दूसरा यहाँ पर अभी जो इंडिया के विजिट पर जब वो थे तो उन्होंने इस बात को लेकर के भी बोला कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और वो चाहे तो रोहिंग्या जैसे इशू को, रोहिंग्या जो कम्युनिटी है उनके इशूज को सोल्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले कर सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईरान ने एग्री किया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ में वो काम करने के लिए तैयार है, उनके साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो ईरान में व्यू करेगी कि यहाँ पर न्यूक्लियर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर तो नहीं किया जा रहा है, यूरेनियम जो है उनको
एक तरीके से जो पाइल अप है वो तो नहीं किया जा रहा है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इसका यूज़ किया जा सके। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसको एक तरीके से पीसफुल तरीके से उसका यूज किया जा सके और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका यूज किया जा सके, ये सारी बातें जो है वो इंश्योर करने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।